अभिलाषा दुबे स्वागत करती हूं आप सभी का इंसाफ की आवाज में। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक तमिल वानन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को घटना का उद्भेदन करते हुए बताया कि बीती रात उलीडी थाना क्षेत्र में ज्वेलर्स दुकानदार अजय कुमार वर्मा को रंगदारी को लेकर गोली मारने की जानकारी मिली थी, जिसका उद्भेदन करने पर यह बात सामने आई कि घायल अजय कुमार वर्मा का अनीश कुमार थापा उर्फ राजा थापा की बहन के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर कुछ महीनों से विवाद चला आ रहा था। अजय थापा के द्वारा विरोध करने पर अजय कुमार वर्मा उसी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा देता था, जिसको लेकर वह परेशान था। बीती रात भी अजय कुमार वर्मा खाद सामग्री लेकर उसे घर गया था, जिसकी जानकारी राजा थापा को होने पर वह अपने साथी अभिनंदन साव के साथ घर गया, जहां अजय कुमार को देख दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद राजा थापा ने पिस्तौल निकालकर उस पर फायर कर दी और वहां से फरार हो गया। वहीं घायल द्वारा थाना प्रभारी पर लगाए गए आरोप भी पूरी तरह से निराधार हैं। वहीं राजा थापा को करीबी द्वारा ही हथियार देने की बात सामने आई है। एसएसपी ने कहा कि उसकी भी जांच करते हुए हथियार देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 3 तारीख को 3 जून को जो वलीडी थाना अंतर्गत एक जगह पे गोली चलन का घटना हुई थी, जिसमें अजय कुमार वर्मा नामक व्यक्ति हैं 28 वर्ष, उनको चेहरा में गोली लगा और उनके द्वारा जो है कांड दर्ज कराया कि हम कहीं गए हुए थे, उसी में हमारे खिलाफ में 2 आदमी आके हमारे ऊपर गोली चला दी। इसमें पूरे घटनाक्रम में हम लोग एक अनुसंधान टीम हम लोग SET गठन किया था, उसी के द्वारा इसमें अच्छे अनुसंधान करते हुए और जिसमें शामिल अपराधी 2 अपराधी, एक अनीश कुमार थापा उर्फ राजा थापा 22 वर्ष का है और अभिनंदन साहू करीब 20 वर्ष का है, इन दोनों को हम लोग गिरफ्तार किए हैं और इसमें जो घटना में शामिल इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद हुआ है और इसमें एक हेलमेट भी आप देख सकते हैं कि खून लगा हुआ हेलमेट भी जो घटनास्थल है उसके घर में टेररिस्ट ने हम लोग को पाया है। और इसमें घटना का ये सारांश से टोटल यही है कि जैसे अजय कुमार वर्मा है ये पिछले करीब 1.5 साल से उस परिवार के घर पर आना जाना करते थे और अक्यूस्ट जो हम लोग पूछताछ किए थे अपने सुरक्षा के बयान में यही बताएं कि उनके घर से बहन के साथ इनका अवैध संबंध था और पिछले 1.5 साल से उस घर में जो भी खर्च वगैरह होना था तो यही खर्च देते थे, सामान देते थे, सब कुछ देते थे। कल भी इन्होंने जो है आटा लेके उसके घर में गए थे और इनको सूचना मिला और ये आके वहाँ पर उनसे बहस किए कि बार बार हमारे घर में क्यों आ रहा है, फिर इसी बातों को लेकर उन्होंने जो है गोली चलाया और गोली में उनको जो है गर्दन में चोट लगा, चेहरा में चोट लगा, फिर MGM से TMH गए। तो ये पूरा अनुसंधान में 2 महीना पहले अजय कुमार वर्मा ने, जैसे आपके माध्यम से मीडिया में उन्होंने दिया है, पेपर के माध्यम से भी आज दिया है कि पहले भी ओलीडी थाना को इस संबंध में शिकायत किया गया था, ओलीडी थाना ने कोई कार्रवाई नहीं की है, इसी कारण हमारे ऊपर ये घटना हुआ है और ये घटना जो है 30,000 रंगदारी के लिए हुआ है, ये बिल्कुल निराधार है। क्योंकि 1.5 महीना पहले जो उन्होंने कांड दर्ज कराया, जो शिकायत किए थे उसमें कांड संज्ञा 106/2021 का दर्ज हुआ था, जिसमें उन्होंने मारपीट करने का और गले से चेन छीनने का आरोप लगाया, तो गले के चेन छीनने का थ्रू नहीं हुआ है, सिर्फ हस्तक्षेप करने का और अपना हाथापाई करने का कांड दर्ज हुआ है। उस समय में भी जो थापा राजा थापा उनको यही बोलने के लिए गया था उनके दुकान में कि हमारे परिवार में आप बार बार क्यों आ रहे हैं, मेरे बहन के साथ आप छेड़छाड़ क्यों करते हैं, अवैध संबंध क्यों रखते हैं, उसी को ये करने के लिए उन्होंने उस समय कांड दर्ज कराया और इस कांड में 379 का थ्रू नहीं हुआ, बाकी कारण में केस थ्रू हो गया और अनुसंधान उसमें चल रहा है। इसमें 7 साल के कम है, इसलिए उनको जेल भेजने की सजा का प्रावधान नहीं था, इसलिए उनको नोटिस दिया गया है। और ये बोलने के बावजूद भी इन्होंने अभी तक वो अपने जो एक्शंस को, अपने जो कार्रवाई को रोका नहीं, इसी कारण कल जब ये अपने घर में आए थे, अजय कुमार वर्मा अक्यूज्ड के घर पर आए हुए थे और गोली जो है अक्यूज्ड के घर पे घर के जो ऊपर तल्ला है उसमें हुआ था, तो इसी से ये प्रमाणित हो रही है कि इन्होंने जो है उनके घर में क्यों गए थे और क्या कारण था, ये सब चीज़ में हम लोग और इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और अनुसंधान करके अगर तक कार्रवाई हम लोग। सर पिस्तौल सर घायल द्वारा पुलिस को गुमराह करने की भी कल कोशिश की जा रही थी, तो उनके द्वारा ये बताया गया था हम लोगों को, पहले जो घटना है वो कहीं घटनास्थल जो सही घटनास्थल है वहाँ से 300 मीटर में किसी ग्राउंड के पास हुआ है करके, लेकिन वहाँ ग्राउंड के पास कोई संबंध में ना खून मिला है कुछ मिला है, जो भी खून हम लोग को मिला है और ये सब जो है घटनास्थल जो अक्यूज है उसके घर के ऊपर तला में हम लोग को मिला है।
हथियार सर इसको कहाँ से प्राप्त हुआ सर, किनके द्वारा? हथियार इनको हम लोग उसमें अनुसंधान कर रहे हैं, इन्होंने स्वीकार किया है कि इनके कोई दूसरे आदमी ने इनको दिया था उधार के रूप में, तो उसमें भी हम लोग अपना अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी बंदे इनको दिए हैं उसमें हम लोग कर रहे हैं। सर घायल की क्या ऐसी थी अभी? क्या चीज घायल की क्या ऐसी थी अभी? नहीं ठीक है, वो स्वस्थ है, कोई मतलब ज्यादा कोई डेंजर का बात। सर इसकी दो बहन है, एक विकलांग है। नहीं तीन बहन है, तीन बहन है। सबसे बड़ी बहन विकलांग है और उनको करीब एक विकलांग मतलब एक साल पहले वो कि अपने लव मैरिज किए थे, एक साल पहले उनके लॉकडाउन के दौरान कहीं एक्सीडेंट हो गया तो फिर अब उनका स्पाइनल कार्ड इंजरी में वो घर में रहते हैं, उनका इलाज घर में होता है। किसके छोटी या मझली या बड़ी किसके साथ था संबंध वाली बात? ये स्पष्ट हमने इन्होंने नहीं बताया, ये बोले थे कि हमारे बहन के साथ इनका रिश्ता है, बार बार जो है वही ग्रुप चाहते हैं और उसमें इनका परिवार जो है इनका अपने हस्बैंड है राजा तप्पा का, पापा भी घर में नहीं रहते हैं, पापा भी बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं और इनको कहना था कि ये हर बार हम बोलते थे, हर बार इन्होंने अपना सुनाई नहीं दिया, बार बार घर में आते थे, लोगों को परेशान करते थे, अवैध सीमेंट का इन्होंने ये किया था, इसी कारण इनको भी बोलना था। पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है सर राजा थापा का? नहीं, अभिनंदन। आपराधिक इतिहास एक ही केस है जो पहले इन्होंने किया, जो डेढ़ महीना पहले जो नहीं हुआ था जी, कोई वाला घटना के समय में अभिनंदन साथ ही था क्या? हाँ अभिनंदन साथ में, इन्होंने ये बोल के लेके आया उनको कि दारू पिलाएंगे करके, तो वो भी साथ में आया, फिर उस पर जैसे लगा तो ये घर के बाहर थे, लेकिन जो भी हुआ घर के अंदर अकेले विक्टिम और जैसे राजा थापा और अजय कुमार वर्मा के बीच में हुआ था, फिर जब यहाँ से भागे थे तो उस समय गाड़ी में दोनों भागे और जो हथियार का प्रयोग जो है हथियार है सॉरी कांड में जो प्रयोग हथियार है वो अभिनंदन के पास दिया गया था रखने के लिए। कितने दिन से इसके पास हथियार था, क्या पहले से कोई उसका तैयारी था मारने का? या पहले से तैयारी है लेकिन ज्यादा दिन उसके पास नहीं था हथियार, उनको जैसे केस हुआ तब से भी ये थोड़ा सा मतलब ये था कि हमारे ऊपर केस किया गया है, जब हम जा रहे हैं अपने प्रॉब्लम को लेके ये प्रॉब्लम से सुधारने के बजाय हमारे ऊपर केस कर रहा है रंगदारी का, इसलिए मन में उनका था और इसमें जो सूचना भी इनके अपने परिवार वाले ही दिए थे कि वो आया हुआ था। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही संपन्न होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि देश विदेश से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।